हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 पार्ट 2, रानीज डायरी। कम लेट्स गो टू सी माय न्यू बेबी सिस्टर, रानी कहती है, चलो हम सब मेरी छोटी बहन को देखने जाएंगे। माँ, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर जाती है और अपने मम्मी से कहती है, मैंने मुनिया के लिए स्वीट्स लाया है। तो मम्मी कहती है, बट शी कांट ईट, शी इज टू स्मॉल। वो अभी खा नहीं सकती, वो अभी बहुत छोटी है। तो फिर रानी कहती है, एंड शी डजेंट इवन टॉक, वो तो अभी बात भी नहीं करती। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। तो मम्मी कहती है कि जब वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तो फिर वो ये सारी चीजें धीरे धीरे करना सीख जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर रानी एक एक्सरसाइज कर रही है। आई विल नोट डाउन इन माई डायरी वेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग ईटिंग वॉकिंग। तो वो नोट डाउन कर रही है अपने डायरी में कब जो है उसकी छोटी बहन खाना खाना, चलना, ये सब करना वो सीख रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, 5th मार्च 2005 मुनिया इज बॉर्न टूडे। तो मुनिया 5th मार्च 2005 में मुनिया का जन्म हुआ था। 15th सेप्टेम्बर 2005 में मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो उसका पहला दांत निकला था। 10th नवंबर 2005 मुनिया सेट अप। 10 नवंबर 2005 को मुनिया उठ के बैठ गई थी। 20th नवंबर 2005 मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग। 20 नवंबर 2005 को मुनिया धीरे धीरे क्रॉल करना उसने शुरू किया था। 5th जनवरी 2006, 5 जनवरी 2006 को मुनिया स्टूड अप, वो खड़ी हो गई थी। 5 सितंबर 2005 मुनिया एट अ बनाना। तो 5th सितंबर 2005 में मुनिया ने एक बनाना खाया था। 2nd फरवरी 2006 में मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, वो पूरी तरह चलना उसने सीख लिया था। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग मंथ्स के नाम सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे जनवरी, उसके बाद है फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनका जो नंबरिंग होता है वो ऐसे, यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2, मार्च इज 3, अप्रैल जो है ये 4th मंथ होता है इसलिए 4। ठीक उसी तरह से मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11, दिसंबर 12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो नंबर ऑफ डेज हम अब लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं ये याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है यूजिंग ह्यूमन फिस्ट। तो जैसे आप देखो, ये हमारा फिस्ट है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये जो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे और हम 4 फिंगर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम वी विल मूव टुवर्ड्स लिटिल फिंगर। तो जैसे सबसे पहले जनवरी, तो इस यहाँ पर हम काउंट करेंगे जनवरी, उसके बाद यहाँ पर फरवरी, यहाँ पर मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई और अगस्त को फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगस्त को इस बार हम लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो ये आप अपने फिस्ट पे अभी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले आप जनवरी से स्टार्ट करो यूजिंग योर 4 फिंगर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप जुलाई तक जाओ। उसके बाद क्या आता है, अगस्त। इस बार आप लिटिल फिंगर से स्टार्ट करोगे और आप 4 फिंगर की तरफ जाओगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हुआ हमारा काउंटिंग का पैटर्न। तो अब हमें बस इतना याद रखना है, जनवरी है 31, ठीक है, उसके बाद होगा 30, उसके बाद 31, फिर 30, 31, 30, 31, फिर इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो 30 और फिर 31, 30, 31, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर बस एक एक्सेप्शन है फरवरी। फरवरी में 28 डेज होते हैं, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो। अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसमें 29 डेज होते हैं। तो जैसे यहां पर हम रानी की कहानी पढ़ रहे हैं और ये 2005 है, तो 2005 लीप ईयर नहीं है, इसलिए आप देखो फरवरी में 28 डेज है। तो बस आपको फरवरी का ख्याल रखना है कि ये जो 30 और 31 का रूल है फरवरी में लागू नहीं होता, इसमें 28 दिन होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होते हैं।
एक चीज और, जब आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो ये 31, ठीक है, और फिर फरवरी का आपको 28 या 29 याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहां पर 31, 30, 31, 30, 31, तो जुलाई तक 31, और अगस्त कितने दिन होगा, तो अगस्त भी 31 होगा, क्योंकि आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो और यहां पर है 31, ठीक है। उसके बाद सितंबर है 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, फाइनली दिसंबर 31 डेज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेज लिख लेते हैं। जनवरी में 31 डेज, तो फरवरी में हमें पता है कि 30 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 28 या 29 लिखेंगे। तो 2005 चूंकि लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28 डेज। तो मार्च में फिर से क्या होगा, 31, फिर से अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में क्या होगा और अगस्त में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो जुलाई, जून में 30 था, जुलाई में और अगस्त में है 31 डेज। तो जुलाई 31 और अगस्त 31, सितंबर में फिर से 30, अक्टूबर में फिर से यहां पर 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप डेज मंथ के यहां पर लिख लो। तो रानी ने यहां पर सारी चीजों को नोट डाउन किया है, कब मुनिया ने सबसे पहले बनाना खाया, कब उसने बोलना शुरू किया, कब उसने चलना शुरू किया। तो इस तरह से आप इसको पढ़ करके एक टाइमलाइन अपने नोटबुक पर बनाओ। यहां पर मैंने, आप देख सकते हो, एक टाइमलाइन बनाया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मुनिया वॉज बॉर्न, तो 5305। तो 5305 एक्चुअल में क्या होता है, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये जो है, सबसे पहला यहां पर हमने डेज लिखा है, कितने दिन मंथ का क्या डे है वो, तो 5 तारीख है। ये बताता है मंथ नंबर, कौन सा मंथ है, तो यहां पर है 3। तो हम यहां पर देखें 3 क्या है, तो 3 है मार्च, तो मतलब 5th मार्च, और साल है यहां पर 05, मतलब 2005। तो 5th मार्च 2005 में मुनिया ने जन्म लिया था, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन में नेक्स्ट क्या एक्टिविटी होगा, तो नेक्स्ट मुनिया ने एक बनाना खाया था, विच वॉज 5905। तो 9, तो 5 तो हमें पता है कि ये 5वां दिन है किसी महीने का, और 2005 साल है, तो कौन सा महीना, कौन सा महीना है, तो 9 अगर हम देखें यहां पर, तो 9 है सितंबर। तो 5th सितंबर को मुनिया ने एक बनाना खाया था। तो नेक्स्ट क्या होगा ऑर्डर में, नेक्स्ट है 15th सितंबर। यहां पर देखिए 15 मतलब महीने का 15 तारीख है, 9 का मतलब कौन सा महीना हो गया, फिर से सितंबर, और ईयर इज 2005। तो इस तरह से हम डेट्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। तो इस तारीख को मुनिया की जो है, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, मतलब उसकी पहली जो दांत है वो इस तारीख को निकली थी। नेक्स्ट क्या हुआ था एक्टिविटी, मुनिया सेट अप, वो कब हुआ था, 10/11/05। 10 का मतलब 10 तारीख है महीने का, 11, 11 कौन सा महीना होता है, तो 11 होता है नवंबर, मतलब 11 नवंबर 2005 को मुनिया उठ करके बैठ गई थी। नेक्स्ट है मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, वो कब हुआ था, 20/11/2005। 11 का मतलब नवंबर का महीना, 20 का मतलब नवंबर का 20 तारीख, तो 20 नवंबर 2005 को मुनिया शी स्टार्टेड क्रॉलिंग, वो उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया था। और फाइनली 5106, तो 1 तो हमें पता है कि जनवरी होता है क्योंकि जनवरी 1 से स्टार्ट होता है। तो 5 तारीख जनवरी 2006 में मुनिया स्टूड अप, मतलब वो दोनों पैर पर खड़ी हो गई थी। और फाइनली 2206, मतलब 2 का मतलब यहां पर क्या है, फेब्रुवरी, और यहां पर 2 का मतलब क्या है, दूसरा तारीख। तो 2 फरवरी 2006 में मुनिया वॉक करना सीख गई थी, मतलब बहुत अच्छे से उसने चलना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये उसका टाइमलाइन है। तो नेक्स्ट यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन। मुनिया की पहली दांत सितंबर में निकली थी, तब उसकी क्या एज हो रही थी, हाउ मेनी मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम मार्च टू सितंबर, तो मार्च से लेकर के सितंबर तक कितने मंथ्स पास हो चुके हैं। तो मुनिया यहां पर हम देख सकते हैं, मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ ऑन 15/9/2005, 15 तारीख को 9, तो 9 का मतलब वो कौन सा मंथ था,
10 का मतलब है अक्टूबर, 9 का मतलब है सितंबर। तो 15 सितंबर 2005 को उसकी पहली दांत निकली थी। हम यहां पर भी देख सकते हैं 15 सितंबर 2005 शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो यहां से मार्च से लेकर के सितंबर तक कितने महीने हो गए? तो यहां पर है मार्च और यहां पर है सितंबर। तो यहां पर है 5th मार्च और यहां पर है 5th सितंबर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5th मार्च से लेकर के 4th सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे। तो 5th मार्च टू 4th सितंबर, यहां पर टोटल कितने मंथ्स हो गए प्लस कितने दिन बचे हैं, रिमेनिंग डेज। तो सबसे पहले तो 5 मार्च से लेकर के 4 सितंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से लेकर के यहां तक हो गए 6 महीने, 6 मंथ्स। और उसकी दांत कब निकली थी? 15 तारीख को। तो उसके बाद 5 तारीख से लेकर के, तो हमने यहां पर 4 तारीख तक कैलकुलेट किया, 4 सितंबर, 5 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक कितने दिन हो रहे हैं वो हमें निकालना है। तो 5 तारीख से 15 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं स्टूडेंट्स? 5 तारीख से लेकर के अगर हम काउंट करें तो 14 तारीख तक हो रहे हैं 10 दिन। तो अगर हम 5 को इंक्लूड करके काउंटिंग स्टार्ट करें तो 14 तक आते आते हो गए 10 दिन, और 15 मतलब एक एक्स्ट्रा दिन, मतलब टोटली 11 डेज। तो यहां पर 6 मंथ्स एंड 11 डेज। तो जब उसका जन्म हुआ था और जब उसका पहला दांत निकला था तो उसकी एज हो रही थी 6 मंथ्स एंड 11 डेज। तो शी वॉज 6 मंथ्स ओल्ड, यहां पर मंथ्स होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स है पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर? मार्च से लेकर के सितंबर तक कितने मंथ पास हो गए हैं? तो मार्च से लेकर के सितंबर तक हो गए 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी फर्स्ट सेट अप? तो मुनिया जब सबसे पहले उठ करके बैठ गई थी तो उस टाइम पे उसकी क्या एज हो रही थी, हाउ ओल्ड वॉज शी? तो यहां हम देख सकते हैं मुनिया सेट अप ऑन 10/11/05। तो 10 का मतलब 10 तारीख, 11 का मतलब कौन सा मंथ हो गया, वो नवंबर। ठीक है, 12 होता है दिसंबर, उससे एक महीना पहले होता है नवंबर, विच इज 11 मंथ, और 05 का मतलब है 2005। तो उसी साल नवंबर की 10 तारीख को मुनिया सेटअप। तो हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी फर्स्ट सेटअप? सबसे पहले हम देखेंगे कितने महीने हुए और फिर कितने दिन बचे हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ 5 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक कितने महीने हुए वो निकालेंगे, और जो रिमेनिंग डेज है वो निकालेंगे। तो यहां पर है 5 मार्च और यहां पर है 5 नवंबर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 5th मार्च टू 4th नवंबर। 4th नवंबर क्यों? क्योंकि हम 5th को इंक्लूड कर रहे हैं, जब हम काउंट कर रहे हैं तो हम 5 तारीख को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम 4 तारीख तक काउंट करेंगे। टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स प्लस जो रिमेनिंग डेज हैं हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो कितने रिमेनिंग डेज हैं? तो वेन डिड मुनिया सेट अप? 10 तारीख को। तो 10 नवंबर को शी सेट अप, तो हमें 10 को भी इंक्लूड करना है। तो 5 तारीख से लेकर के 2/10, 10 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 5 मार्च से 4 नवंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हो रहे हैं टोटल। प्लस कितने दिन और हुए हैं? तो 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं? तो 5 तारीख से 10 तारीख तक हो रहे हैं 6 दिन, 5 6 7 8 9 10, अगर आप काउंट करो तो हो रहे हैं 6 डेज। तो मुनिया ने जब जन्म लिया था और जब मुनिया अपने आप उठ करके बैठ गई थी तो वो तब उसका जो टोटल एज है वो हो रहा है 8 मंथ्स एंड 6 डेज। तो यहां हम लिखेंगे 8 मंथ्स एंड 6 डेज।
नेक्स्ट है शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो वेन डिड मुनिया गेट हर फर्स्ट टूथ, शी गॉट हर फर्स्ट टूथ ऑन 15/9/05, तो 15 का मतलब 15 तारीख, 9 का मतलब कौन सा महीना, तो हमें पता है अक्टूबर होता है 10वां महीना, अक्टूबर से पहले आता है सितंबर, तो मतलब 15 सितंबर 2005 को शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो उसका क्या एज हो रहा था, तो हम फिर से वही चीज करेंगे, 5 मार्च से लेकर के 4 सितंबर तक कितने महीने हो रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर कितने दिन बच रहे हैं हम उसे कैलकुलेट कर। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर भी देख सकते हो हमने यहां पर पहले से लिख रखा है, तो अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आप इजीली चार्ट देख करके फाइंड आउट कर सकते हो। सितंबर आप देख सकते हो इट इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर, और जो डेट है यहां पर इट इज 15/9/05। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5th मार्च टू 4th सितंबर कितना टाइम हुआ प्लस जो बच गए दिन उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ ऑन 15th, ठीक है, तो अभी तक हमने 4th सितंबर तक कैलकुलेट कर लिया, तो फिर 5 तारीख से 15 तारीख तक जितने दिन हो रहे हैं, 5th सितंबर टू 15th सितंबर जितने दिन हो रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं ये कितने के बराबर हो रहा है। सबसे पहले 5th मार्च से लेकर के 4th सितंबर तक कितने महीने हो रहे हैं, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक कितने महीने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने, 6 मंथ्स प्लस और कितने दिन बचे हैं, तो अभी हमने 4 सितंबर तक कैलकुलेट किया, तो बाकी 5 सितंबर से 15 सितंबर तक कितने दिन होंगे, 5 सितंबर से 15 सितंबर तक होंगे 11 दिन, मतलब 11 डेज। तो 6 मंथ्स एंड 11 डेज हो रही है उसकी एज जब उसका फर्स्ट टूथ निकला था, तो 6 मंथ्स एंड 11 डेज। नेक्स्ट इज व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, वॉकिंग, ईटिंग अ बनाना, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्रॉलिंग, स्टैंडिंग। तो सबसे पहले वो उसने क्या किया था, उसने वॉक किया था या फिर उसने बनाना खाया था, तो चलिए देखते हैं। यहां पर शी वॉज बॉर्न, नेक्स्ट शी एट अ बनाना, देन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ, ठीक है, उसके बाद शी सैट अप एंड देन शी स्टार्टेड क्रॉलिंग एंड देन आफ्टर दैट शी स्टार्टेड वॉकिंग। तो वॉकिंग और ईटिंग अ बनाना में सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले एक बनाना खाया था, तो यहां पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड शी डू फर्स्ट, क्रॉलिंग और स्टैंडिंग, तो उसने सबसे पहले क्रॉल किया था या उसने सबसे पहले स्टैंड या फिर स्टूड अप किया था, तो क्रॉलिंग उसने किया था यहां पर 20/11/2005, मतलब 20 नवंबर 2005 को शी स्टार्टेड क्रॉलिंग और 5 जनवरी 2006 को शी स्टूड अप। तो क्रॉलिंग और स्टैंडिंग में उसने सबसे पहले क्रॉलिंग शुरू किया था, क्योंकि नवंबर 2005 जनवरी 2006 से पहले आता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई शी स्टार्टेड क्रॉलिंग फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस और करते हैं। हाउ ओल्ड वॉज शी वेन शी स्टार्टेड क्रॉलिंग, तो मुनिया जब क्रॉलिंग स्टार्ट करी थी तो वो कितने एज की थी, तो मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन 20/11/2005, मतलब 20 नवंबर 2005 को उसने क्रॉलिंग शुरू किया था। तो सबसे पहले हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, तो 5th मार्च टू 5th नवंबर कितने महीने हो रहे हैं प्लस सॉरी यहां पर 4th नवंबर, क्योंकि हमने 5th से काउंटिंग स्टार्ट करी है तो हम 4th नवंबर तक काउंट करेंगे, तो यहां पर हमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएगा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करना है, तो वो होगा 5th नवंबर टू, उसने कब स्टार्ट किया था क्रॉलिंग, 20th नवंबर, तो 20th तक हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो 5th मार्च टू 4th नवंबर टोटल कितने महीने हो रहे हैं, तो यहां पर मार्च है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीने हो रहे हैं, तो यहां हो गए 8 मंथ्स प्लस
टोटल कितने दिन बचे हैं, तो 5 तारीख से 20 तारीख तक कितने दिन हो रहे हैं, तो अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो 5 से, 5 को इंक्लूड करते हुए 20 तक हो रहे हैं 16 डेज, तो आप काउंट करके चेक कर लो, यहां पर हो रहे हैं 16 डेज। तो 8 months and 16 days उसकी एज हो रही है जब जब उसने पहली बार क्रॉलिंग या फिर क्रॉल करना उसने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज, रानी हैड अ पेट पपी, आफ्टर 2 वीक्स इट ओपेंड इट्स आईज, शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। रानी के पास एक पपी थी और 2 हफ्ते बाद, जब पपी ने जन्म लिया था उसके 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आंखें खोली, और फिर रानी ने नोटिस किया जैसे जैसे वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, तो 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आंखें खोली, 3 हफ्ते बाद उसके दांत आ गए और उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर 4 वीक्स 4 हफ्ते बाद इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। 4 हफ्ते मतलब 1 महीने, तो लगभग 1 महीने बाद वो धीरे धीरे चलना उसने स्टार्ट कर दिया, बट वॉज स्टिल वॉबलिंग, लेकिन वो अब भी अच्छे से, बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही थी। इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाई द टाइम इट वॉज 7 मंथ्स ओल्ड, तो जब तक वो 7 महीने की हो गई थी उसके पूरे सेट, दांतों के जो सेट हैं वो पूरे आ गए थे 7 महीने बाद। आफ्टर 1 ईयर इट वॉज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज, तो 1 साल के बाद वो फुल्ली ग्रोन अप डॉग बन गई थी और उसके खुद के भी कुछ पपीज हो गए थे। नेक्स्ट, नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ द डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। तो हमें इस पपी की जो टाइम लाइन है वो अपने नोटबुक में बनानी है, और फिर मुनिया और जो रानी की पपी है, मतलब मुनिया जो रानी की छोटी बहन है और जो रानी की पपी है, उसके टाइम लाइन में डिफरेंसेज हमें देखने हैं कि दोनों ने कब स्टार्ट किया था चलना, दोनों एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, कब उन दोनों ने खाना सबसे पहले खाया था, और गॉट द फर्स्ट टूथ, दोनों के सबसे पहले दांत कब आए थे। तो स्टूडेंट्स, ये करने से पहले सबसे पहले हमें इस पपी के टाइमलाइन को बनाना होगा। तो जैसे हमने टाइमलाइन बनाया था मुनिया के लिए इस तरह से, उसी तरह से हम पपी का टाइमलाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में पपी का टाइमलाइन बनाओ। चलिए मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूँ। तो ये है टाइमलाइन। तो पपी वॉज बॉर्न, तो इस टाइम पे उसका जन्म हुआ था, और जन्म के 2 हफ्ता बाद, आफ्टर 2 वीक्स उसने आंखें खोली थी। तो पपीज क्या होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें क्लोज्ड होती है और कुछ दिनों के बाद वो आंखें खुलती है, और 3 वीक्स 3 वीक के बाद इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग, 3 हफ्तों के बाद उसके पहले छोटे छोटे दांत आ गए थे और उसने खाना स्टार्ट कर दिया था, और 4 वीक्स के बाद, लगभग 1 महीने बाद, उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया था, और फिर 7 महीने बाद उसके पूरे दांतों के सेट आ गए थे, 1 साल के बाद उस फुल्ली ग्रोन अप डॉग बन गई थी और उसके खुद के पपीज हो गए थे। तो अब ये टाइमलाइन हमने बना दिया। अब हमें डिफरेंसेस नोट डाउन करने हैं मुनिया और इस पपी के बीच में, दोनों के एजेस के बीच में, जब दे स्टार्टेड वॉकिंग। तो सबसे पहले हम पपी का कैलकुलेट करते हैं, उसने कब वॉक करना स्टार्ट किया था। तो पपी ने, यहाँ शी वॉज बॉर्न और शी स्टार्टेड वॉकिंग, तो आफ्टर 4 वीक्स शी स्टार्टेड वॉकिंग, आफ्टर 4 वीक्स, और 4 वीक्स का मतलब क्या होता है, 1 मंथ, 1 महीने बाद वो चलना उसने स्टार्ट कर दिया था। यहां पर वीक्स WWEKS वीक्स होता है। नेक्स्ट मुनिया का देखते हैं कि उसने चलना जब स्टार्ट किया था तो वो कितने एज की थी। तो यहां पर मुनिया का टाइमलाइन है, मुनिया बॉर्न हुई थी 5/3/05 को, और उसने चलना कब स्टार्ट किया था, मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग यहां पर 2 फरवरी 2006। हालांकि तो 5 मार्च से, सबसे पहले तो 4 जनवरी 2005, ये हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स मिलेगा, और फिर 5 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक, यहां से हमें टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज मिलेगा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, 5 मार्च से 4 जनवरी तक, तो कितने महीने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे हैं 10 मंथ्स।
प्लस जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कितने दिन हो रहे हैं जनवरी में, टोटल कितने दिन होते हैं जनवरी में, टोटल 31 डेज होते हैं। तो हमें 5 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कितना दिन हो रहा है वो निकालना है, और फिर फरवरी के 2 दिन ऐड करने हैं। तो 5 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक कितने दिन होंगे स्टूडेंट्स, 26 दिन, 26 डेज, क्योंकि हम 5 को इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए 26 डेज। और जनवरी 31st, तो मतलब +1 डे, तो टोटल हो गए जनवरी में कितने दिन, 27 डेज, और 2 दिन फरवरी में है, मतलब 27 + 2, 29 डेज। तो 10 months + 29 days, ये हमारा आंसर है। मतलब जब मुनिया, जब उसका जन्म हुआ था और मुनिया ने जब चलना स्टार्ट किया था, तो उसका जो एज है वो हो रहा था 10 months and 29 days। तो वो हमें आंसर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दोनों ने जब पहली बार खाना खाया था तो दोनों के क्या एज हो रहे थे। सबसे पहले हम पपी का एज कैलकुलेट करते हैं, पपी के टाइमलाइन को देखते हैं। तो पपी वॉज बॉर्न हियर, और उसने पहली बार खाना कब खाया था, यहाँ पर, मतलब वीक 3 में। तो 3 हफ्तों में उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो after 3 weeks। नेक्स्ट, मुनिया ने सबसे पहले खाना कब खाया था। तो हमें याद है मुनिया ने सबसे पहले एक बनाना खाया था, वो कब खाया था। तो मुनिया एट अ बनाना, यहाँ पर 5/9/2005। तो मतलब 5 तारीख और 9, 9 का मतलब वो कौन सा महीना हुआ। तो हमें पता है अक्टूबर जो होता है वो महीना होता है, मंथ नंबर 10। तो अक्टूबर के पहले क्या आता है, सितंबर, सितंबर है मंथ नंबर 9। मतलब 5 सितंबर 2005 को मोनिया ने बनाना खाया था। तो हमें कैलकुलेट करना है 5 मार्च से लेकर के 5 सितंबर तक टोटल उसका जो एज है वो कितना हो रहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 मार्च 05 टू 4 सितंबर 05, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यहां से निकलेगा 4 तारीख तक। क्यों, क्योंकि हम काउंटिंग यहाँ 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो 4 सितंबर 05 प्लस जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज है वो हमें निकालने हैं। वो कैसे, तो कितने दिन और बच गए, कब उसने खाया था बनाना, उसने खाया था 5 तारीख को, तो बस एक ही दिन बच गया, वो है 5th सितंबर। तो 5th सितंबर को ही उसने खाना खाया था, मतलब बस हमें एक दिन ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ सबसे पहले निकालते हैं। तो 5 मार्च 2005 से लेकर के 4 सितंबर 2005 तक कितने महीने हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने हो रहे हैं, तो 6 months। प्लस कितने दिन और हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, तो बस उसने खाया था 5 तारीख को, मतलब बस एक दिन, जो कि 5th itself 1 day। तो 6 months and 1 day उसका एज था जब उसने पहली बार खाना खाना स्टार्ट किया था, 6 months 1 day। नेक्स्ट है, गॉट गॉट द फर्स्ट टूथ। तो कब उनकी एज क्या थी, जब उनके पहले दांत जो था वो निकला था। सबसे पहले पपी के टाइमलाइन को देखते हैं। तो गॉट इट्स फर्स्ट टूथ एंड स्टार्टेड ईटिंग after 3 weeks, 3 हफ्ते बाद ही उसका उसके दांत निकल गए थे, उसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो after 3 weeks, तो पपी के लिए सिंपल है, after 3 weeks। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मुनिया, मुनिया की जो दांत सबसे पहले कब निकली थी, गॉट हर फर्स्ट टूथ, चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो मुनिया के टाइमलाइन पर चलते हैं। तो गॉट हर फर्स्ट टूथ यहाँ पर है, विच इज 15/9/05, मतलब 15 और 9 का मतलब सितंबर, 15 सितंबर 2005 में उसका जो पहला दांत था वो निकला था। तो कितने कितना टाइम हो गया, उसका एज क्या हो गया। तो सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे, 5 मार्च से लेकर के यहां तक, मतलब 4 सितंबर 2005 तक कितने महीने हो रहे हैं वो कैलकुलेट करेंगे, और जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां लिख लेते हैं 5th मार्च 2। अच्छा, मैं 05 नहीं लिख रहा, वो अंडरस्टूड है कि 05 ही है, मतलब 2005, 2 4th
सितंबर 05 2005 तक कितने महीने हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लो, और फिर जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हैं वो कैलकुलेट कर लो। तो वो जो रिमेनिंग डेज हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 5 सितंबर टू कहाँ तक, कब जो है उसका पहला दांत निकला था, 15/9/05, तो 2/15 सितंबर कितने दिन हो रहे हैं। तो सबसे पहले 5 मार्च से 4 सितंबर कितने महीने हो रहे हैं, अभी अभी हमने निकाला था, इट इज 6 मंथ्स प्रीवियस क्वेश्चन में, प्लस टोटल नंबर ऑफ डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 5 तारीख सितंबर से लेकर के 15 तारीख सितंबर तक कितने दिन होंगे स्टूडेंट्स, आप प्लीज बताओ मुझे। तो यहां पर होंगे 11 दिन। क्यों 5 से 15 तक 11 दिन क्यों होंगे, क्योंकि हम काउंटिंग 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 इंक्लूडेड है, इसीलिए 11 डेज। तो आप देख सकते हो मुनिया का जो फर्स्ट टीथ था वो निकला था व्हेन शी वाज 6 मंथ 11 डेज ओल्ड। तो यहां पर लिख दो 6 मंथ 11 डेज। तो स्टूडेंट्स आप एक बार डिफरेंस देखो दोनों में। स्टार्टेड वॉकिंग, सबसे पहले जब चलना कब शुरू किया था, पपी ने 1 महीने बाद ही चलना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुनिया ने कब चलना स्टार्ट किया था, 10 मंथ्स 29 डेज के बाद, मतलब लगभग लगभग 11 महीने बाद उसने चलना स्टार्ट किया था। ठीक उसी तरह से सबसे पहले खाना कब खाया था, तो पपी ने 3 वीक्स के बाद खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, बट इसने लगभग 6 महीने बाद खाना खाया था पहली बार मुनिया ने। गॉट हर फर्स्ट टूथ, सबसे पहले उसकी दांत कब निकली थी, तो मुनिया की दांत निकली थी लगभग फिर से 6 महीने बाद, लेकिन इसके 3 हफ्ते बाद ही दांत निकल गए थे।